भारत, मैं हूं मृणाली स्थिति ध्यानी और उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट से। पहाड़ों में रेल का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है, क्योंकि इस साल के बजट में इसके लिए 4,200 करोड़ रुपए व्यवस्थित किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। केश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के समयबद्ध निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने बजट में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 4,200 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की है। बजटीय प्रावधान के साथ ही परियोजना के निर्माण में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट में 4,200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में इन वर्षों में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हुआ है। पहाड़ में रेल का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में न्यू ऋषिकेश स्टेशन तैयार हो चुका है। यहाँ से ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो चुका है। बाकी जगहों पर भी तेजी से काम चल रहा है। इस वर्ष के लिए बजट में प्रस्तावित 4,200 करोड़ रुपए से परियोजना टाइम फ्रेम में पूरी की जा सकती है। के लिए डीजीपी अशोक कुमार का बड़ा बयान। उनका कहना है कि जो भी राष्ट्र विरोधी टिप्पणी सोशल मीडिया पर करेगा उन्हें पासपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके बाद वे ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगे। इसके साथ ही लोगों ने यह आशंका भी जताई है कि शायद इसका गलत इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल टिप्पणी करने वालों का पासपोर्ट सत्यापन ना करने संबंधित निर्णय पर बहस शुरू होने पर डीजीपी अशोक कुमार ने सफाई दी है। डीजीपी के मुताबिक पासपोर्ट सत्यापन के लिए यह नियम पहले से है, बस इसे कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने गत दिवस सभी कप्तानों को सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोध टिप्पणी करने वाले लोगों को पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस सत्यापन के समय अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए थे। उक्त मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। विवाद बढ़ने पर डीजीपी अशोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि उक्त नियम तो पहले से ही मौजूद है, बस पुलिस को इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है। डीजीपी ने बताया कि सत्यापन के फॉर्म में इसका कॉलम पहले ही मौजूद है, पुलिस ने नया नियम नहीं बनाया है। वेरिफिकेशन करते वक्त ये सोशल मीडिया पे इसका बिहेवियर कैसा एंटी नेशनल तो नहीं है। अगर इस तरह के बिहेवियर वाले लोगों को फिर शस्त्र लाइसेंस या पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह वो उसमें उनको प्रॉब्लम। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री याकूब सिद्दीकी का कहना है कि भाजपा सरकार कृषि कानूनों को किसानों के ऊपर थोपना चाहती है, लेकिन किसानों के साथ कांग्रेस सरकार खड़ी है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व राज्य मंत्री एवं कांग्रेस जिला प्रभारी याकूब सिद्दीकी का कहना है कि कांग्रेस इन काले कानूनों को लेकर किसानों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है। लंडोरा में कांग्रेस जिला प्रभारी याकूब सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र में 6 साल से भाजपा की सरकार है और उनकी कुनीतियों के चलते 6 साल से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उनका यह भी कहना है कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतरकर भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जनता को ऐसे दलों के बहकावे में आने से बचना होगा। विधानसभा प्रभारी शोभा राम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ कमेटी गठित कर पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। जितेंद्र पवार का कहना है कि केंद्र सरकार कृषि कानून बनाकर किसानों पर जुल्म करने पर अड़ी हुई है, जिसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर जगदेव सिंह, नगर अध्यक्ष हाजी मुस्तकिम, तहसील नीटू चौधरी, मन्नवर अफजाल, नसीम आजम याशी, मनोज चौधरी, अत्रु विपिन, इकबाल नागपाल नगर आदि लोग मौजूद रहे। ये रास्ता सिर्फ बातचीत से निकल सकता है, और जैसा कि आप सब देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से सरकार मनमाने तरीके से जोर ज़बरदस्ती से किसान आंदोलन को दबाने का काम कर रही है। भारत की आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा आंदोलन है जिसे किसान हर वर्ग हर तबके का आदमी का समर्थन जिसे प्राप्त हो रहा है, और सरकार अपनी हठधर्मिता से सरकार बातचीत ना करके रास्तों में कील बिछाकर जिस तरीके का रवैया दिखा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। और हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम अन्नदाता के साथ खड़े हैं, और निश्चित जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा हम इस संघर्ष को, इस आंदोलन को जारी रखने का काम करेंगे।
लगातार जो है किसानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पैसा चीन पाकिस्तान तमाम तरह के, इसके बारे में क्या कहेंगे जो पैसा वहाँ पर खर्च हो रहा है? देखिए, हमारे देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है लगातार, जो भी सरकार के खिलाफ सवाल करता है, अगर वो मुसलमान है तो उसे पाकिस्तानी, अगर वो सरदार है तो उसको खालिस्तानी, और अगर कोई हिंदू है तो उसको देशद्रोही करार करते हैं, और हर आंदोलन को ये लगातार ये बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन से पैसा आ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि चीन ने भारत की सीमा पर गांव बसाने का काम कर लिया और ये सरकार आज तक सोई हुई है, और ये किसानों के ऊपर जिस तरह का दमन का काम कर रही है, चीन के खिलाफ इनके मुंह से एक ची तक निकलने का हमें आज तक सुनाई नहीं देती, और इसका परिणाम आने वाले 2022 और 2024 में निश्चित भारत की जनता। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में कुंभ के फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी कोविड शील्ड की सुरक्षा, 70,000 कर्मियों को लगेगा कोविड का टीका, देखिए रिपोर्ट। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में स्वास्थ्य विभाग अब कुंभ ड्यूटी पर आए करीब 70,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने की तैयारी कर रहा है। टीकाकरण का यह अभियान अगले सप्ताह शुरू हो जाएगा। कुंभ मेला क्षेत्र में इसके लिए करीब 100 साइट चिन्हित की गई हैं। इसके लिए 50,000 कोविड डोज उपलब्ध करा दी गई हैं। जिले के 14,031 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की पहली खुराक दिए जाने के बाद अगले सप्ताह से स्वास्थ्य विभाग कुंभ मेले की ड्यूटी पर आने वाले करीब 70,000 चिकित्सक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय आदि को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी में है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक 50,000 कोरोना की खुराक हरिद्वार को उपलब्ध करा दी है, जबकि 20,000 खुराक आने वाले 4 दिनों में आने की संभावना है। मेला स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 100 सेशन साइट चिन्हित की गई हैं, जहां पर इन फ्रंटलाइन वर्कर्स को खुराक दी जाएगी। मेले के फ्रंटलाइन वर्कर्स की खुराक दिए जाने से पहले डीजी हेल्थ डॉक्टर अनीता उप्रेती भी व्यवस्थाओं का स्वयं जायजा ले चुकी हैं, ताकि वैक्सीनेशन के कार्य में कोई कमी ना रहे। उत्तराखंड की आस एक बार फिर से अधूरी रह गई है, इस साल भी नहीं होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में इस साल नवंबर में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन एक बार फिर टल गया है। इसकी वजह कोविड-19 के कारण अधूरी रह गई तैयारियां और केंद्र से आर्थिक सहायता ना मिलना बताया जा रहा है। इससे प्रदेश के लिए इन खेलों की मेजबानी की आस अधूरी रह गई है। उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों का आवंटन वर्ष 2014 में किया गया था, जिसके अनुसार वर्ष 2018 में खेलों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन अवस्थापना विकास संबंधी कार्य ना होने से उस साल राष्ट्रीय खेल आयोजित नहीं हो पाए। हालांकि अवस्थापना विकास कार्यों के लिए 719 करोड़ एवं आयोजन के लिए 249 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन उत्तराखंड को केंद्र से आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई। इसके बाद नवंबर 2021 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन इस बार भी उत्तराखंड की राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की आस पूरी होती नजर नहीं आ रही है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक खेलों के आयोजन को लेकर केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता के लिए पहली किस्त के रूप में 500 करोड़ की मांग की गई थी, लेकिन अब तक केंद्र से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। वहीं कोविड-19 की वजह से अवस्थापना विकास संबंधी कार्य भी अधूरे हैं। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्र खेलों के लिए अभी कम से कम 16 महीने का समय और चाहिए। यह वजह है कि इस साल नवंबर में राष्ट्र खेलों का आयोजन संभव नहीं है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। धन्यवाद।